बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? आज हमारा जो टॉपिक है वो एंट्री पॉइंट एंड एग्ज़िट पॉइंट है कि हम किसी भी ट्रेड में एंटर कैसे होते हैं और उससे एग्ज़िट कैसे हुआ जाता है। किसी भी ट्रेड में हम कोई भी ट्रेड लगाते वक्त क्या क्या सोचते हैं, कैसे ट्रेड में एंटर होते हैं और फिर हम ट्रेड प्रॉफिट कैसे सेट करते हैं, और फिर अगर ट्रेड प्रॉफिट से पहले ही हम कट करना चाहते हैं ट्रेड को तो उनकी कंडीशंस क्या होंगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए सेव की हुई थी। और अच्छा, सबसे पहले तो देखने वाली जो चीज़ है वो ये है यहाँ पर। ये तो छोटा हो गया मज़ीद। कि ये देखें, कैंडल्स जो हैं बेसिकली उनसे मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत इजीली आपको पता चल जाता है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है कैंडल का, इसमें और इन बाकी कैंडल्स के स्ट्रक्चर्स में कुछ वीक स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें और ये जो बुलिश इनगल्फिंग है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब जैसे फिर ये डॉजी हैं, ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। और अब यहाँ पर आपको आकर दिखाऊं, ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग का है। अब इसमें ये देखें कि बुलिश इनगल्फिंग यहाँ जब होती है और वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर देती है और पूरी इससे पहले के ट्रेंड को रिवर्स कर देती है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंपोनेंट। इन सारी चीज़ों को आप जाकर मार्केट में देखें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखें और इन सारी चीज़ों को, तो आपको जाकर आइडिया होगा कि यार मार्केट में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि बहुत एक आसान चीज़ है यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा आसानी है। और वो ये है कि आपने जो नॉलेज भी गेन किया है, एक तो उसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं मार्केट में, लेकिन एक बहुत ही प्यारा तरीका है कि आप पीछे की हिस्ट्री में जाएँ। पिछले 10 साल की हिस्ट्री ट्रेडिंग व्यू पर मौजूद है। आप वहाँ जाकर पैटर्न्स देखें, वहाँ जाकर आप ये चीज़ें नोट करें कि मार्केट क्यों किसी जगह से ऊपर जाती है, क्यों नीचे जाती है, और आया हमारी स्ट्रेटजी जो है वो कितने फ़ीसद कंफर्म ट्रेड सेटअप उसने माजी में हमें दिए हैं, और उस हिसाब से आप लर्न करने की कोशिश करें तो एक दो माह कहीं भी नहीं गए, मतलब बहुत जल्दी बंदा प्रोफेशनल ट्रेडर इसमें बन सकता है। अब ये चीज़ यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग है। अच्छा, इस कंडीशन में ये होता कि अगर तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई होती नीचे या इस जगह पे होती और यहाँ पर ये विक भी मौजूद होती, तो क्या आया वाकई हम तब भी इसको स्ट्रॉन्ग बेस समझते या स्ट्रॉन्ग साइन समझते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखें, ये जो पोटेंशियल कैंडल होती है ना, कोई भी कैंडल्स मौजूद हैं, ये समझे बीरिश कैंडल्स हैं, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ, ये समझे बीरिश कैंडल्स बन रही हैं, छोटी छोटी डोजी बन रही हैं कोई इस तरह से। अब एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है और वो यहाँ पर इस तरह से बनी है, सही है, मतलब इतना उसने इनको कवर किया है, लेकिन इसकी जो विक है वो भी अच्छी खासी बड़ी है। और दूसरे आप एग्जांपल लें तो वो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, इस तरह से बन रही हैं कैंडल्स, सही है, और अचानक से कोई बुलिश इनगल्फिंग होती है और वो यहाँ नीचे से विक बनाती है और वो इतना ऊपर जाके इनगल्फ करती है और उसकी विक भी नहीं होती, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इसकी निस्बत, इस एग्जांपल की निस्बत। तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये जाकर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हिस्ट्री जाकर देखेंगे नहीं, हिस्ट्री में जाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे, मेथड की एक्यूरेसी नहीं जानेंगे, तब तक आप प्रैक्टिकली आपको ट्रेड करना नहीं आएगी। यहाँ मैं जितने भी लेक्चर्स दे दूँ, प्रैक्टिकली आप नहीं जाकर चीज़ें देखेंगे तो नहीं। अब ये देखें यहाँ पर, फिर एक और जो चीज़ होती है, विक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि मार्केट नीचे गई है और नीचे से पोटेंशियल लेकर वापस आई है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
और मतलब फिर ये देखें कि इसने, इसके बाद एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, ये देखें ये स्ट्रक्चर भी इसने ब्रेक किया, ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया और ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया, और इसके नतीजे में मार्केट ऊपर चली गई है। अब फिर यहाँ पर एक और चीज़ देखें, ये एक बहुत मज़े की चीज़ है, अगर इसको आप समझने की कोशिश करें कि ये यहाँ पर देखें क्या बन रहा है। ये जो विक्स होती हैं, और विक्स भी एक ख़ास मखसूस तरीके से, ये देखें एक ख़ास मखसूस तरीके से, बल्कि ये यहाँ तक बनी हुई हैं, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये वाला जो एरिया है मार्केट का, इसमें अच्छे खासे बायर्स मौजूद हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं ट्रेडर्स के बहुत ज़्यादा। जैसे ही मार्केट इस एरिया में आती है, बूम अप कर जाती है, वापस चली जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई, जब ये चीज़ बन रही है किसी जगह पर, तो यहाँ से आप ये समझ जाएंगे कि यार अब मार्केट रिवर्स होने वाली है, और फिर जैसे ही ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं आराम से। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये जब तक आप नोट नहीं करेंगे। फिर एक और जगह पर आ जाएं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वही वाली मिसाल है, यहाँ पर देखें ये इस जगह पर बहुत प्यारी विक्स बन रही हैं इस एरिया के अंदर, और ये चीज़ शो कर रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई मौजूद है। फिर ये देखें यहाँ पर ये जो कैंडल पैटर्न्स बने हैं इस जगह पे, कैंडल पैटर्न्स बनते हैं, मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, लेकिन इस जगह पे मुसलसल ये पिन बार बन रहे हैं, डॉजीज बन रहे हैं, इंडिसीजन है मार्केट, और ये इस चीज़ का पता बता रही है कि अब मार्केट में बायर्स कम हो चुके हैं और कोई और फोर्स दाखिल होना चाहती है मार्केट में। तो ये कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स हैं इनसे, और फिर मार्केट की बिहेवियर से, विक से, ये देखें यहाँ पर भी विक बनी हुई है एक स्पेशल तरीके से, एक स्पेशल उससे मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये चीज़ एक्सपीरियंस के नतीजे में आती है, कोई भी एक लेक्चर या दो लेक्चर देखने के बाद नहीं आती। अब यहाँ पर आकर देखें, लेक्चर शुरू करने से पहले ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें यहाँ पर, अब ये वाला जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, या ये जो पैटर्न है, ये भी ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है, ऊपर गई है, लेकिन वापस आ रही है, लेकिन ये एक इनडिसीजन है, ये इतना स्ट्रॉन्ग बीरिश रिजेक्शन नहीं है जितना ये है, यानी कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से ओपन होने के बाद ऊपर गई है, और वापस आकर इस जगह पर क्लोजिंग दी है, और उसने विक भी नहीं बनाई, चलें विक बना भी लेती है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, फिर ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, इसी तरह से ये भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन समझ लें, लेकिन ये जो दो रिजेक्शंस हैं इनसे, ये वाली जो दो रिजेक्शंस हैं, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस नहीं है, और फिर उसके बाद ये दोनों फिर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस आ जाती हैं। ये चीज़ यहाँ पे पढ़ें, ये भी सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ बताएंगी कि कौन सी ज़्यादा रिजेक्शन इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं। हाँ, आप कैंडल को देखकर ही आपको आइडिया हो जाए कि यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये यहाँ पे रिवर्स कर सकती है या नहीं। यहाँ पर मेरा इरादा था कि मैं एंट्री पर दो क्लासेस रिकॉर्ड करूँ, और दो क्लासेस हुई भी हैं, लेकिन ये क्लास मैं थोड़ी लेंथी कर रहा हूँ, और इसलिए कि इस पर बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत भी की है और तैयारी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा की है, और ये जो चीज़ मैंने बना दी है आपके लिए, ये अनफ है, मतलब आप इस चीज़ पे अगर काम करें, इसको प्रिंट करवा दें, जो लोग प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हैं इसको प्रिंट करें, आप जिस जगह पे आप ट्रेड करते हैं बैठ के, वहाँ पर सामने आप प्ले कार्ड पर लिख कर या चार्ट बना के प्रिंट करवा के बड़ा सा इसको चिपका दें वहाँ पर, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देगी। ये हमारी कंडीशंस हैं, आर्ट कंडीशंस, जब हम कोई भी ट्रेड लेने लगे होते हैं, तो हम इनमें से 30% या कम से कम भी एक से दो, दो से कम तो हम बिल्कुल एंट्री तसव्वुर ही नहीं करते, लेकिन जितनी ज़्यादा ये कंडीशंस पूरी होंगी, उतना ज़्यादा हमारी ट्रेड परफेक्ट होगी, ये जितनी कंडीशंस ज़्यादा पूरी होंगी, उतनी ही हमारी ट्रेड परफेक्ट होगी। फिर इसी तरह से एग्ज़िट रूल्स जो हैं, हम भी इसी तरह से करते हैं। फिर ये चीज़ें अगर हों, ये साइकोलॉजी है जो टिप्स दी हुई हैं, चूँकि मार्केट जो है ये बाय सेल और इन सारी चीज़ों से आगे जो है एक साइकोलॉजी भी है, 50% ये साइकोलॉजी है, तो ये जो टिप्स हैं और ये जो इसके सक्सेस के कीज़ हैं, बेसिकली
असल जो की है, जो असल मगज़ है, या जो असल बैकबोन है मार्केट की, वो यही है। ये वाली जो टिप्स हैं साइकोलॉजी के लिए, ये चीज़ें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन रिस्क मैनेज नहीं करेंगे आप, फ्रेश नहीं होंगे, आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप ये कीप स्लो, कीप इट स्लो एंड स्टडी, इस चीज़ को नहीं देख रहे होंगे, एक दिन में अमीर बनना चाह रहे होंगे, तो फिर मतलब ये चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। अब करना क्या होता है कि सप्लाई डिमांड को हमने सबसे पहले देखना है। ये सारी चीज़ें हम जाकर, मैंने कोई 10 से 15 ट्रेड्स रखी हैं, उनमें हम जाकर देखेंगे कि यार हमने इन सारी कंडीशंस को कितना अप्लाई किया और फिर हमें रिज़ल्ट कितना मिला है। सप्लाई एंड डिमांड पे चूँकि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी मेथड पे ट्रेड लें। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड में अगर डेली पे सप्लाई एंड डिमांड आपको मिल रही है, तो जो आपका टारगेट होना चाहिए प्रॉफिट का, वो 400 से 1700 पिप्स हो सकता है। मिनिमम 400 होना चाहिए और मैक्सिमम 700 होना चाहिए। इसके नतीजे में मतलब देखें कि ये वाली जो ट्रेड है, ये आपको 4-5 दिन और हफ़्ता, बाज़ों का हफ्ते से भी ज़्यादा आपको होल्ड करनी पड़ सकती है। ये वाली जो ट्रेड है H4 पे, अगर आप कोई सेटअप तलाश कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड का और उसकी बेस पर ट्रेड लेते हैं, तो ये सेटअप गोल्ड में तो मुमकिन है आपको डेली भी शायद या 1-2-3 दिन में एक दफ़ा मिल जाए, लेकिन दीगर करेंसी पेयर में बाज़ औक़ात ये सेटअप आपको हफ्ते में एक दफ़ा ही मिलता है। और लेकिन उसमें भी अगर 150 से 200 या मैक्सिमम 300 पिप्स भी अगर गेन कर लें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर H1 में मज़ीद कम हो जाते हैं, इसमें इंट्राडे में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिल जाती हैं, बाज़ औक़ात 2 भी मिल जाती हैं और बाज़ औक़ात 1 भी मिल जाती है, और बाज़ औक़ात नहीं मिलती तो कोई इशू नहीं, हम वो सारा कवर कर लेते हैं बाद में इधर उधर से। तो ये है कि H1 में आपको 70 to 150, अब इसमें से आप ख़ुद अपनी स्ट्रेटजी, अपने टारगेट्स को देखकर डिफ़ाइन करेंगे कि मैंने कितना टेक प्रॉफिट रखना है। फिर RSI की जो रेगुलर डाइवर्जेंस है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्विंग ट्रेड के लिए। जो हम बिल्कुल ही मार्केट का एक अप ट्रेंड है, तो यहाँ से जो स्विंग ट्रेड हम लेते हैं इस जगह से, उसके लिए RSI बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। RSI डाइवर्जेंस जो है, ये मस्ट होनी चाहिए, और इसका अगर ओवरबॉट लेवल है तो वो मज़ीद बेस्ट है, लेकिन बल्कि वो मस्ट होना चाहिए ओवरबॉट या ओवर सोल्ड का लेवल। मतलब ओवरबॉट हम कहते हैं कि 70 के लेवल से, जब RSI के 70 के लेवल से ऊपर चली जाती है और मार्केट, और 30 से नीचे चली जाती है, लेकिन सिर्फ ओवरबॉट और ओवर सोल्ड को देख कर हम ट्रेड नहीं करते, साथ डाइवर्जेंस रखते हैं। ये कोई ओवर सोल्ड और ओवर बाट की जो स्ट्रेटेजी है, ये कब की ख़त्म हो चुकी है, ये मार्केट में रिजल्ट नहीं दे रही। अच्छा, फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए आप ये भी एक कंडीशन है, इसमें आपको ट्रेंड लाइन देखनी चाहिए। फिर 50 की सिंपल मूविंग एवरेज है, ये भी मैं आपको लगाना या इस पर वेबिनार बाद में रख लेंगे इस कोर्स के बाद, ये चूंकि थोड़ा एक्सपर्ट और पूरा एक अलहदा टॉपिक है मूविंग एवरेज का। फिर हिडन डाइवर्जेंस है कंटिन्यूशन ट्रेंड के लिए, इस पर भी हम देख चुके हैं हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है। हिडन डाइवर्जेंस जहां पर आकर देखते हैं, ये यहां पर नीचे हिडन डाइवर्जेंस बनी हुई है RSI की। देखें कि मार्केट ऊपर जा रही है, हायर लो बना रही है, जबकि जो RSI है वो नीचे जा रहा हो, तो ये इस चीज़ की अलामत होती है कि मार्केट अब मज़ीद कंटिन्यू जा सकती है। मार्केट ऊपर जा रही है और RSI डाउनवर्ड मोमेंटम शो कर रहा है। फिर इसके बाद जो है स्ट्रक्चर पैटर्न ब्रेकआउट्स, ये जो हमने पढ़े हैं स्ट्रक्चर ब्रेकआउट्स को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, पैटर्न्स को भी पढ़ चुके हैं, पैटर्न्स की तस्वीरें भी वगैरह मैंने आपको भेजी थी, इनमें सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स जो होते हैं, फिर इसके अलावा हेड एंड शोल्डर होता है, और इसी तरह से मज़ीद पैटर्न्स होते हैं, उनके ब्रेकआउट्स होते हैं, तो उन पे भी हम एंट्री लेते हैं। फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स की कंफर्मेशन हम देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मतलब कैंडल के जो पैटर्न्स हम पहले भी देख चुके हैं, ये वाली कैंडल्स, इस तरह की कैंडल्स, इस तरह की, और फिर ये वाले पैटर्न्स, तो इनको देखना। फिर ओपन इंटरेस्ट एक चीज़ होती है, इसका भी हम पढ़ते हैं बाद में, कि ये ओपन इंटरेस्ट मार्केट में एक चीज़ है कि मार्केट शो कर रही होती है एक दो वेबसाइट्स पे, बल्कि काफ़ी वेबसाइट पे ये डाटा भी होता है और इसके इंडिकेटर्स भी होते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे पता चल जाता है कि मार्केट में इस वक्त कितना वॉल्यूम है और सेलर्स कितने फ़ीसद हैं और बायर्स कितने फ़ीसद हैं। तो ये भी अगर कि हम स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं या कोई ऐसी ट्रेड,
तो वहाँ पर अगर अगर तो हम सेल की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, अगर अचानक जो सेलर्स हैं वो 60% हो गए हैं या 60 अबव और बायर्स 30% रह गए हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है, इसे भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये चीज़ तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम देख कर रहते हैं। फिर एग्जिट हम के जो टेक प्रॉफिट रखते हैं वो मेजर लेवल से मेजर लेवल तक रखते हैं। डाइवर्जेंस अगर कहीं बन रही हो तो हम मैन्युअली उसे क्लोज़ कर देते हैं। फिर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर कहीं बन जाता है, हमने बिल फॉर बाय किया हुआ है और किसी लेवल पे बीरिश इनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो वहाँ पे हम ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे। इसी तरह से जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है ट्रेड लगाने से पहले, वो कम अज़ कम भी 1:2 होनी चाहिए सप्लाई एंड डिमांड का, यह जो हम स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अभी चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ मार्केट में और जाके देखते हैं कि अच्छा ये देखें, ये जो सबसे पहली हमारी ट्रेड है, एक तो मार्केट में ये डिमांड का लेवल क्रिएट हो चुका था। डिमांड का लेवल हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये डिमांड का लेवल है यहाँ पे? एक तो माजी में जाएं तो माजी में भी ये एक डिमांड का लेवल था यहाँ पर, और फिर उसके बाद देखें इसने इस डिमांड के नतीजे में ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, और फिर मार्केट दोबारा वापस आई है और यहाँ पर इसने फिर मज़ीद एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। वो स्ट्रक्चर क्या है? अब ये जो लाइव क्लासेस में आते हैं उनको रेगुलर वो मैं उनसे मैं सवालात करता हूँ और उन्हें कहता हूँ, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, एक ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये रखें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर एक इसके अलावा स्ट्रक्चर है और वो ये है, मतलब ये दो स्ट्रक्चर ब्रेक किए हैं मार्केट ने, और ये जो कैंडल है ये बहुत पोटेंशियल कैंडल हमें मिली है, इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट में अब बहुत ज़्यादा बायर्स इन हो चुके हैं। अब यहाँ से अगर हम ट्रेड लेना चाहें और नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारा ये वाला लेवल है, ये लेवल भी हो सकता है, ये थोड़ा माइनर लेवल है, इसकी जगह अगर हम ये भी रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ से ट्रेड को लगा के देखते हैं कि अगर अच्छा ये H1 में है तो M30 में मज़ीद जाके कंफर्मेशन करते हैं, ताकि मुमकिन है हमारा स्टॉप लॉस मज़ीद छोटा हो जाए, लेकिन नहीं, चलें यहीं पर हम रखते हैं इसको, और जो स्टॉप लॉस है वो हमारा इस लास्ट स्विंग से नीचे होगा, और जो टेक प्रॉफिट है वो हम यहाँ तक रखते हैं। तो ये देखें ऑलमोस्ट ये 1:3 की रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बन रही है। एक इसमें चीज़ ये भी हो सकती है कि जो आप अपना स्टॉप लॉस है वो इस इन दोनों स्ट्रक्चर्स के नीचे भी रख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के और इस ट्रेंड लाइन के नीचे इस जगह पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उस सूरत में ये मज़ीद रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बन जाएगा। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। फिर इसके बाद है कहाँ से ट्रेड बनती है, ये यहाँ से एक ट्रेड बनती है इस जगह से। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी, एक तो ये माजी में एक डिमांड का लेवल था, लेकिन यहाँ पर चूंकि मार्केट बहुत अरसे बाद आ रही थी तो हम ये चीज़ देखेंगे। अच्छा तो यहाँ पर देखेंगे हमें एक बहुत ज़्यादा, ये देखें हमें बहुत बड़ी एक जो हम पहले इससे पहले पढ़ रहे थे कैंडलस्टिक पैटर्न की, बहुत बड़ी एक पोटेंशियल कैंडल मिली है, और उसके नतीजे में देखें, चलें ये डिमांड लेवल यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कैंडल सही नज़र आ रही, उसके नतीजे में इस कैंडल के नतीजे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ऑलमोस्ट ये 15 कैंडल्स इनगल्फ हुई हैं। तो इससे आप नतीजा लगाएं कि कितनी स्ट्रॉन्ग ये। अच्छा इसमें भी इसने दो पैटर्न्स ब्रेक किए हैं, एक तो ये वाला पैटर्न ब्रेक किया है इस तरह से, और फिर ये वाला पैटर्न भी यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। अब जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, बड़ी पोटेंशियल कैंडल मिल जाए और वो इस तरह से 10, 12 या 8-10 कैंडल्स को इनगल्फ कर दे, तो उसके नतीजे में हम करते क्या हैं, मतलब पाउंड यूएसडी वगैरह के पेयर में ये कितने पिप्स की इनगल्फिंग हुई है, ऑलमोस्ट मतलब पाउंड यूएसडी में ये चीज़ देखेंगे 30 to 40 पिप्स बड़ी अगर कैंडल्स बन जाती है, तो हम इंतज़ार करते हैं कि वो 50% रिट्रेस करे। तो ये देखें हम फिर ये रखते हैं कि यार इस लेवल को जैसे ही मार्केट
रिट्रेस करेगी इस करीब वाले लेवल को, तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। यहाँ से भी अगर ट्रेड लें और नेक्स्ट हम H1 में जाके देखते हैं कि हमारा टेक प्रॉफिट एरिया ये होना चाहिए यहाँ पर। तो हमारी जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर भी अगर अपना आप स्टॉप लॉस रखें तो ये ऑलमोस्ट 1:3 की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपकी बन रही है इस जगह पे। इस जगह पे 1:3 की आराम से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बन रही है। एक और सीन ये भी हो सकता है कि आप स्टॉप लॉस मज़ीद ऊपर करें लेकिन यहाँ पर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर एक और चीज़ है, यहाँ पर एक और एंट्री हम डिस्कस करते हैं। और वो एंट्री है यहाँ पर ये वाली। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हमने नहीं देखी। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर हमने कितनी कंडीशंस को देखा है। स्ट्रक्चर ब्रेक को देखा है, दो स्ट्रक्चर्स ब्रेक हुए हैं, हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है, बुलिश इनगल्फिंग हुई है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल कैंडल्स मिली हैं, सही है। यहाँ से नीचे से मार्केट में रिजेक्शन मिली है इस एरिया से मार्केट को, इस एरिया से मार्केट को रिजेक्शन मिली है, कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखा है। फिर मतलब तीन हमने कंडीशंस ऑलमोस्ट, तो फिर डिमांड का लेवल भी था, ये चीज़ भी हमने देखी है यहाँ पे। इधर हमने ट्रेड लेते वक्त क्या चीज़ देखी है कि ये देखें, यहाँ पे एक तो RSI डाइवर्जेंस भी बन रही है, ये देखें मार्केट नीचे आ रही ही है यहाँ पर, लेकिन जो RSI है वो नीचे नहीं जा रहा, वो हल्का फुल्का ऊपर ही जा रहा है। ये एक तो हमें RSI डाइवर्जेंस मिली है, फिर स्ट्रक्चर्स दो ब्रेक हुए हैं, फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें मिला है, और फिर इसी तरह से ये एक डिमांड का लेवल भी था। चार कंडीशंस ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरी हो रही हैं स्विंग ट्रेड की जो हमने यहाँ से ली है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएं, ये देखें यहाँ पर ये H4 में जाएं तो सप्लाई का लेवल बन रहा है, ये यहाँ पे सप्लाई का लेवल बन रहा है। और फिर देखें मार्केट जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर दो चीज़ें हम मिल रही हैं, ये देखें यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस मिल रही है जो हम स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यानी कि यहाँ से शॉर्ट टर्म में तो ये था ये वाला ही ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड ही था शॉर्ट उसमें, लेकिन जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म में ये डाउन ट्रेंड था। तो उसमें यहाँ से हम देखें तो हमें ये बेरिश इनगल्फिंग मिली है, फिर यहाँ पर देखें तो मार्केट में एक रिजेक्शन भी मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन हम जो कंफर्म ट्रेड लेंगे वो इस बीरिश इनगल्फिंग के बाद ही लेंगे। यहाँ पर हमें RSI डाइवर्जेंस मिल गई वन कंडीशन, नंबर टू कंडीशन हमें बीरिश इनगल्फिंग मिल गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, फिर ट्रेंड लाइन भी थी इस जगह पर, तीसरी कंडीशन ये पूरी हो गई, फिर सप्लाई का लेवल था, ऑलमोस्ट फाइव कंडीशन इस पर पूरी हो रही हैं। फिर ये जो बहुत ज़्यादा चूँकि बहुत बड़ी पोटेंशियल कैंडल थी तो आप इसके लिए वेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो नेक्स्ट लेवल है टेक प्रॉफिट का वो ये भी हो सकता है। ये और फिर ये भी हो सकता है। अब देखते हैं कि रेड हमारी कितनी एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है हमारा। तो यहाँ से भी अगर लें तो ये देखें यहाँ पर आराम से इस जगह पर 1:1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की आराम से ट्रेड मिल रही है। और ये वाली जगह अगर हम टारगेट के लिए रखना चाहें तो यहाँ तक ऑलमोस्ट 1:3 की, बल्कि इससे भी ज़्यादा शायद आराम से हमारी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पूरी हो रही है। तो यहाँ पर हमने पांच कंडीशंस देखी हैं, कंडीशंस एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे खोल दे, ये चीज़ें ये वाली कंडीशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो एग्जिट रूल्स हैं टेक प्रॉफिट के रूल्स हैं वो हम इन चीज़ों को देख के कर रहे हैं।
मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, डाइवर्जेंस, मेजर लेवल्स और ये सारी चीज़ें। अब इसी तरह से एक और ट्रेड हम देखते हैं यहाँ पर, ये जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ था और ये वाली रेंज मार्केट ने तोड़ी थी। अब यहाँ पर देखें, हम अगर H4 में जाएं या H1 ही में जाएं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी मार्केट की, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। और यहाँ पर देखें कि मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर पूरा ब्रेक कर दिया है डाउनवर्ड। तो जब कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए और जिस जगह से मूव हो, तो उसे हम बेस कहते हैं। अब देखें, ये यहाँ पर हम सप्लाई यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस बेस की बेस उस पर बेस की बेस पर। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से हमारा ये सप्लाई का लेवल ड्रॉ होगा। अगर हम H1 पे ही जाकर ड्रॉ करें, तो ये इस कैंडल की ऊपर वाली विक्स को तो हम वहाँ पे तो रखते ही रखते हैं, नीचे पे कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर रखें हम इसकी बॉडी की क्लोजिंग पे, तो यहाँ पर ये आराम से एक हमारा बन जाता है सप्लाई जोन। अब देखें, मार्केट यहाँ पर आती है तो ये एक इसने बेरिश इंगल्फिंग की है, यहाँ से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हम तो वेट करें, लेकिन यहाँ से ट्रेड ले लेनी चाहिए, ये एक बेरिश इंगल्फिंग H1 में बनी है। फिर H4 में जाकर चीज़ देखते हैं। H4 में हम जो अभी चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि ये जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, ये चीज़ देखें, ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ये है। अगर ये वाला चीज़ हमें मिल जाए, तो ज़्यादा हमें कंफर्मेशन मिलती है। तो सेम यहाँ पर भी ये हुआ है कि पहले ग्रीन कैंडल बनी है, फिर रेड कैंडल बनी है। तो मैं ये चीज़ कहता हूँ कि हमें H4 में भी वो सारे टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। तो लेकिन चलें, यहाँ पे भी हमारी कंडीशंस पूरी हो रही थी। अगर यहाँ से हम इस जगह से ट्रेड लें और ये देखें कि उसके बाद मार्केट में कितना एक स्ट्रॉन्ग H1 में जाकर ये पिन बार बना है, ये बहुत एक पावरफुल होता है, यानी मार्केट बहुत ऊपर गई है लेकिन रिजेक्ट होकर बहुत नीचे आई है। अब यहाँ पर हम लगा कर देखते हैं कि यहाँ से अगर हम ट्रेड लें इस जगह से, और मार्केट के जो स्विंग है उसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखें, तो यहाँ तक भी देखें तो ये 1:2 की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आराम से बन रहा है इस जगह पे। लेकिन हम जनरली अगर 1:2:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो रखें, चूँकि स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका है और मार्केट में इस जगह पे सप्लाई भी मौजूद है, तो 1:3 का रखें तो वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कोई न्यू लेवल वहाँ पर मौजूद नहीं है करीब में, तो आप ऑटो मतलब एक ऑटो 1:2:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी रख सकते हैं। तो लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर को देखकर अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे सेट करें, तो वो ये यहाँ पे बनता है। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ही कम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बन रही है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें देखी। फिर इसके बाद एक और चीज़ देखें कि यहाँ पर डाइवर्जेंस, क्योंकि ये हम स्विंग ट्रेड ले रहे थे। एक और चीज़ मुझे याद आ गई जिसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए थी या इस जगह से ट्रेड लेनी चाहिए थी, और वो ये थी कि देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, लेकिन H1 में क्लियरली हमें यहाँ पर देखें डाइवर्जेंस शो हो गई है, मतलब और 70 ओवर बॉट एरिया के करीब ही शो हो गई है। तो ये चीज़ देखें, यहाँ पे डाइवर्जेंस मिली हमें, फिर उसके बाद हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, फिर सप्लाई का लेवल था, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका था इससे पहले, और ये हमने 3 से 4 चीज़ें देखकर यहाँ पर ट्रेड ली है। तो इस तरह से हम ट्रेड करते हैं। अभी गोल्ड में चले जाते हैं, गोल्ड की एंट्रीज को जाकर देखते हैं।
ये लास्ट में हमने जी हिडन डाइवर्जेंस की बेस पर ये वाली ट्रेड ली थी, जब आपको याद होगा क्लास हो रही थी तो मैंने ये चीज़ क्लास में कह दी थी कि यहाँ पर हिडन डाइवर्जेंस शो हो रही है H4 में। हिडन डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, इस क्लास में मैं रिपीट कर चुका हूँ कि मार्केट ऊपर ही है अभी और मार्केट हायर लो बना रही है, लेकिन जो RSI है वो हमारा लोअर लो बना रहा है, यानी कि RSI मुसलसल नीचे जा रहा है। तो ये इस चीज़ की निशानी होती है कि ये मार्केट में इस वक्त ट्रेंड मज़ीद अप जाना है, ट्रेंड कंटिन्यू होना है, और उसके बाद देखें कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और कैसे ऊपर गया है। फिर यहाँ पर ये हमने RSI डाइवर्जेंस की बेस पर ट्रेड ली थी। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस ट्रेड को अगर देखें, यहाँ से हमने एक ट्रेड ली थी, इस जगह से बाय किया था मार्केट को इस जगह से, तो यहाँ पर देखें स्पोर्ट जोन था, फिर ये इसकी ट्रेंड लाइन की स्पोर्ट थी, और फिर यहाँ पर ये बीरिश इनगल्फिंग भी उसके बाद बन गई, लेकिन इन दो कंडीशंस को देखकर हमने ये ट्रेड ली है माइनर लेवल की स्पोर्ट की बेस पे। फिर यहाँ से जो हमने ट्रेड ली थी और इस ट्रेड को अगर हम डिस्कस करें, तो ये देखें यहाँ पे H4 में भी और H1 में भी, H4 में भी जाएं तो क्लियरली यहाँ पर डाइवर्जेंस बन रही है, और ये सप्लाई का लेवल है, सप्लाई के लेवल पे हम इंतज़ार करेंगे मार्केट में हमें रिजेक्शन मिले। ये जब जैसे ये दो कैंडल्स बीरिश बनी हैं कंटिन्यू, हम इनकी बेस पे भी अगर ट्रेड लें, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हम यहाँ तक का वेट ना भी करें और यहाँ से भी ट्रेड लें, और ये नेक्स्ट लेवल इसका टारगेट रखें, ये वाला लेवल, तो ये ऑलमोस्ट आराम से 1:3 की ऑलमोस्ट इसका एंड रिवार्ड रेशो बनती है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे रखें तो ये 1:2.5 रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की ट्रेड बनती है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, स्ट्रक्चर ब्रेक देखा, रिजेक्शन कैंडलिस्टिक पैटर्न्स देखे, कैंडल्स देखी, रिजेक्शन की सप्लाई का लेवल था, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला पैटर्न भी एक बन रहा था, ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी चैनल भी बन रहा था, फिर उसके बाद RSI डाइवर्जेंस भी हमें मिल रही थी। तो चार पांच चीज़ें हमने यहाँ पर जाकर देखी हैं। फिर अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद आ रही हैं जो उसमें क्लासेस में लोगों ने पूछी थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है मैं इसीलिए कहता हूँ कि लाइव लाइव क्लास लेने का जो फ़ायदा होता है वो इसमें नहीं होता। अब ये देखें यहाँ पे Day 1 में, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्लियरली डाइवर्जेंस शो हो रही है, और फिर यहाँ पे इसका ये डिमांड का लेवल भी है Day 1 का, ये देखें ये इसका एक डिमांड का लेवल भी है, तो यहाँ से डिमांड के लेवल से भी ये रिजेक्ट हुई है। फिर हम मज़ीद जाके H1 में जाकर देखें, तो ये देखें यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, इससे कबल हम देखें तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग भी हुई है, लेकिन ये स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है, और यहाँ पे ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर मार्केट ने क्रिएट किया है। और यहाँ पर दो चीज़ों को अगर हम देख कर ट्रेड लें, एक तो ये हम देखें कि यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है, फिर ये चीज़ देखें यहाँ पर RSI रेगुलर डाइवर्जेंस भी शो हो रही है हमें, उतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन बहरहाल शो हो रही है, फिर डिमांड का लेवल है, फिर ये देखें स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, और यहाँ पर हम M30 में मज़ीद जाएँ कि चूँकि यहाँ पर मज़ीद कोई बहुत अच्छी कन्फर्मेशन नहीं मिल रही, तो ये देखें यहाँ पर करीब करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें M30 में मुसलसल दो बुलिश कैंडल्स बनी हैं, फिर तीसरी बनी है, और चौथी कैंडल ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। तो हम M30 को स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए देखते हैं, तो यहाँ से अगर ट्रेड लें हम, और ये वाला इसका स्टॉप लॉस रखें इस स्विंग के नीचे, और 1:3 की रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो देखें, तो ये देखें अगले दिन UK सेशन ही में जाकर ये ट्रेड आराम से अपने टारगेट को हिट कर जाती है। अच्छा, फिर इसमें जो ट्रेल स्टॉप लगाने का तरीका होता है वो ये होता है कि हम स्ट्रक्चर ब्रेक्स को ट्रेंडिंग मार्केट में देख रहे होते हैं। अब ये देखें कि यहाँ से आपने ट्रेड लिया है इस जगह से,
तो मार्केट ने इस जगह से आपने ट्रेड ली है और ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे फिर देखें मार्केट ने जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पर ले आते हैं इस जगह पे। फिर ये देखें कि मज़ीद इसने यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करती है मार्केट तो आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो इस जगह पर ले आते हैं, इस जगह पे ऊपर वाला स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक करती है। फिर इसके बाद मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाती है तो जैसे ही देखें मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो ये जो इसका नीचे का स्ट्रक्चर है इधर ले आते हैं, इसके नीचे ले आते हैं। फिर जैसे ही मार्केट ने नया स्ट्रक्चर, ये वाला इसका स्ट्रक्चर था, ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसे ही मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो जो आप अपना स्टॉप लॉस है वो इस जगह से नीचे ला सकते हैं। ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट हायर लो से। अब देखें जैसे ही मार्केट ने, अब इसमें अगर आप डेली की डाइवर्जेंस और डेली का डिमांड लेवल था डेली के टाइम फ्रेम पे, तो आप अगर 500 पिप्स को भी इस ट्रेड पर टारगेट करें यहाँ पर इस तरह से, इधर से हम ट्रेड ले रहे थे, ये हमने स्टॉप लॉस रखा और 500 पिप्स अगर हम टारगेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आराम से हमारे 500 पिप्स टारगेट होते हैं और 500 पिप्स हमें मिलते हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन हमें इस 1 से 2 दिन इस सूरत में हमें इंतज़ार करना पड़ा और 500 पिप्स ऑलमोस्ट ये वीक का हाफ़ टारगेट होते हैं। 500 पिप्स मिल जाएँ और 2 हफ्ते तक बंदा ट्रेड ना भी करे तो ये काफ़ी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी चीज़ समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से एंट्री लेते हैं, किस बेस पर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमने डेली का डिमांड लेवल देखा, फिर डेली की डाइवर्जेंस देखी यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये पोटेंशियल कैंडल हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाकर मिली, फिर मुसलसल जो हम स्टॉप लॉस ऊपर करते रहे वो स्ट्रक्चर ब्रेक की बेस पर करते रहे और उसी बेस पर फिर हमें जाकर यहाँ पर 500 पिप्स हम गेन कर लेते हैं आराम से। तो उम्मीद करता हूँ इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ज़रूरी है कि आप लाइव क्लासेस में लाजमी आएँ, जितना लाइव अब ये इसमें मतलब जो लाइव हमारी क्लास हुई थी उसका ये मैं समझता हूँ 60-70% भी मैं यहाँ पर डिलीवर नहीं कर सका। लाइव क्लास एक बहुत डिटेल लेक्चर होता है, उसमें आप सवालात करते हैं, उनके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। क्लास में मेरी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, मैं ज़्यादा चीज़ें अच्छे से डिफ़ाइन कर पाता हूँ। तो कोशिश करें कि लाइव क्लास लें और फिर यही चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आप हिस्ट्री में जाकर देखें और नोट्स बनाएं, जितने नोट्स बनाएंगे फिर गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करने के बजाय गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, तो ये चीज़ आप यहाँ पर जाकर, फिर हम जो US सेशन मंडे को इंशाल्लाह करेंगे उसमें आप आएँ, हम प्रैक्टिकली ये चीज़ें देख कर ट्रेड लेते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, फिर मैं हाज़िर हूँ हर वक्त, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन है आप करें मुझसे, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही आप स्क्रीन शेयर कर लें मेरे साथ, मैं आपको लाइव समझा दूँगा, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही। तो अगली क्लास तक इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी और चलती रहेगी मज़ीद। ठीक है, ये क्लास यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।